साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी बरसों बरस से भाई के साथ यहाँ आने का मौका मिलता रहा और आप सब महापुरुषों के भरपूर आशीर्वाद और सबसे प्यार हमेशा ही मिलता रहता है। बाबा जी ने भी सारी साथ संगत को एक पिता की तरह भरपूर प्यार आशीर्वाद और एक अपनापन दिया। ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर एवरीबडी। बाबा जी अक्सर हार्मनी इन वननेस का जिक्र किया करा। बाबा जी ने समझाया कि सिर्फ वननेस ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वननेस तो पब्लिक प्लेसेस में भी लोग इकट्ठे हुआ करते हैं, चाहे वो पिक्चर हॉल्स हैं, मॉल्स हैं या मेलों में सब नज़र आते हैं, पर सब अपनी अपनी चाल चल रहे होते हैं। बाबा जी ने सबके काम आने वाले अमनी और वननेस के बारे में ही हमको समझाया, क्योंकि हार्मनी और वननेस से तो कहीं गलत काम भी हो जाते हैं। पीछे ही दिल्ली में महापुरुष बता रहे थे कि उनकी गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ और ड्राइवर बाहर निकला, डिग्गी खोली उसने टायर चेंज करने के लिए। इतनी देर में एक और व्यक्ति आया और उसने जहाँ वो महापुरुष बैठे हुए थे उसकी दूसरी साइड वाली विंडो से एक स्प्रे गाड़ी में मारी, जिसके कारण एकदम उन्हें चोकिंग सी फील हुई और वह गाड़ी से बाहर निकल आए। और जब वो गाड़ी से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा दूर खड़े हो गए तो दो व्यक्ति उनकी तरफ आए, जिसमें से एक उनके पास आके खड़ा हो गया और बातें करने लग पड़ा, और दूसरा व्यक्ति उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में एक बैग पड़ा था लेके वो भागा। जब वो भागा तो वो दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे भाग गया। ऐसे कामों के लिए भी वननेस चाहिए, पर बाबा जी ने जो वननेस हमसे चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिविटी वाली वननेस हमने चाहिए। He often said, if life isn't about living in harmony with one another, I don't know what it is. Oneness makes, harmony makes small things big, and lack of it destroys even big things. They decay because of lack of oneness. साथ संगत जी हम यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन सब की प्लानिंग पहले मनों में पैदा होती है। चाहे कहीं पे कोई दीवार भी बनानी हो तो उसकी पहले जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है वो एक मन में पैदा होता है, फिर बैठ के सब इकट्ठे उसकी प्लानिंग करते हैं। आपने बर्लिन वॉल का भी सुना, एक नेगेटिविटी मन में आई और वो दीवार बन गई, पर वो जब पॉजिटिविटी वाला भाव आया तो वो दीवार टूटी और एक इकट्ठे होने वाला, एक पॉजिटिविटी की वननेस वाला माहौल पैदा हो गया। एक बच्चे से पूछा गया हार्मनी का मतलब क्या है, और उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि हार्मनी का मतलब है हार मान ली। जब इस निरंकार के आगे हमने अपनी ईगो समर्पण कर दी तो सब इंसानों में इस निरंकार का रूप नज़र आना शुरू हो गया, एक वननेस वाला भाव पैदा हुआ, सब अपने लगने शुरू हो गए हैं। साथ संगत जी जब सब अपने लगते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना शुरू हो जाता है और सारा ही मानव एक अपना परिवार बन जाता है, और यही उम्मीद बाबा जी ने हम सबसे चाही और रखी। दासी को रात को भी इस हॉल में आने का मौका मिला और सब महापुरुष अपनी सेवा भाव से लगे हुए थे, हॉल में तैयारी कर रहे थे और बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए थे। साथ संगत जी बाबा जी ने भी 36 वर्ष इतनी मेहनत करके इस मिशन को संवारा और निखारा, और बाबूजी ने हमेशा हमसे भी यही उम्मीद रखी कि जो प्यार सत्कार
अपनापन उन्होंने सारी साथ संगत को दिया, वो हम सिर्फ अपने तक ही ना रखें बल्कि उसे हम दुनिया के कोने कोने में बांटें। और निरंकार से यही अरदास है कि हम इस मिशन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा पाएं, जैसे बाबा जी ने चाहा वैसा जीवन हमारा सबका बन पाए, यही अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।